नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सिमरला क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन भारतीय दंड संहिता का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। आपराधिक मानववध या सैदोष मानववध और हत्या, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। धारा 299 एवं 300, धारा 299 एवं 300 आईपीसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है आईपीसी के अंतर्गत जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए अपन इस पर देखेंगे। सैदोष मानववध, कल्पेबल होमिसाइड, यानी मानववध तो है इसमें, किसी मनुष्य की मृत्यु तो होगी, लेकिन कैसे होगी, उसकी सैदोष मृत्यु कारित की जाएगी। सैदोष मानववध या आपराधिक मानववध भी इसको कहते हैं, इसको आपराधिक मानववध भी कहते हैं, आपराधिक मानववध। इसकी जो धाराएं हैं सेक्शन 299 में, उसके अंदर बताया गया है कि मानव प्राणी के द्वारा किसी अन्य प्राणी का वध किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको मानववध कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मानववध कहते हैं। यह अगर आपराधिक और अनापराधिक, ये आपराधिक और अनापराधिक दोनों प्रकार के। सर हेलो सर, बोर्ड ना एक तरफ से कट रहा है, आप थोड़ा बोर्ड की सेटिंग ठीक कर दीजिए। जी सर, अब ठीक है, अब ठीक है। ये जो मानववध है वो आपराधिक भी हो सकता है और अनापराधिक भी हो सकता है, यानी आपराधिक इंटेंशन के साथ और बिना इंटेंशन के भी किसी का मानववध हो सकता है। तो ऐसे मानववध है उनको आईपीसी में 299 में परिभाषित किया गया है। आपराधिक मानववध को सेक्शन 299 में परिभाषित किया गया है। परिभाषा क्या दी गई है, उसको डिफाइन किस प्रकार से किया है, यही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 299 में आपराधिक मानववध को परिभाषित किया गया है। इसके लिए जो बातें बताई गई है वो इंपॉर्टेंट है कि कौन से इसमें जो तत्व है वो होने चाहिए जिसके कारण से ये माना जाता है कि ये आपराधिक मानववध है। पहला, मृत्यु कारित करने के आशय से। अगर कोई कार्य, यदि कोई कार्य कैसे किया गया है, मृत्यु कारित करने के आशय से, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, इंटेंशन के साथ, इंटेंशन कैसा है, मृत्यु कारित करने का है, जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से। दूसरा, ऐसे शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से। ये क्या कहता है, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। अभी मैं तीनों टॉपिकों को बताऊंगा आपको जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य हो। तीसरी बात, मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो। तीसरी बात क्या बताई गई इसकी डेफिनेशन में, ये कहा गया है कि ऐसी यह ज्ञान रखते हुए ऐसा जो कार्य किया जाता है ना, वो ज्ञान के साथ, यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे,
कोई कार्य करके मृत्यु कार्य कर देता है वह आपराधिक मानववध कहलाता है। यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है, यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, मृत्यु कारित कर दे, ऐसा कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, मृत्यु कारित कर देता है वह आपराधिक मानववध करता है, ये कहलाता है। यानी सेक्शन 299 में आपराधिक मानववध को डिफाइन किया गया और उसमें ये बताया गया है कि जो कोई का मतलब कोई भी व्यक्ति, जो कोई का मतलब कोई भी व्यक्ति एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, जो कोई क्या करता है मृत्यु कारित करने के आशय से, क्या करता है मृत्यु कारित करने के आशय से, यानी सामने वाले को मारने के इंटेंशन से, ये इंटेंशन आ गया ना, अपराध के लिए इंटेंशन जरूरी है, मारने का आशय है, मृत्यु कारित करने का आशय है, ऐसे मृत्यु कारित करने के आशय से क्या करता है कोई शारीरिक क्षति यानी शरीर पर कोई चोट ऐसे कारित करता है जिससे ये क्या है मृत्यु हो जाना संभाव्य है, शरीर पर घाव ये ऐसा किया है जिससे संभावना है कि चोट से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, यानी उस पर कोई ऐसी चोट कारित करेगा, इस प्रकार से टेक करेगा कि वो चोट ऐसी होगी जिससे ये संभावना हो जाती है कि ऐसी चोट से व्यक्ति मृत्यु हो जाएगी, ऐसी चोट से क्या करेगा शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित करने के आशय से करेगा जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो। अब किसी के पेट में अगर 2 बार चाकू मारेगा तो पूरी संभावना है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, यानी ऐसा संभव है कि ऐसी चोट से जो कारित की गई है उससे मृत्यु हो जाना संभव है, ऐसा कोई कार्य करता है, या यह ज्ञान रखते हुए यह संभव है, उसे नॉलेज है इस बात का, उसे नॉलेज है कि जो वह कार्य कर रहा है उससे संभावना है, उससे क्या है संभावना है कि वह उस कार्य के द्वारा जो वह कर रहा है दूसरे की क्या कर देगा मृत्यु कारित कर देगा, तो ऐसा कोई कार्य करेगा तो वो क्या कहलाएगा आपराधिक मानववध कहलाएगा। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ मृत्यु कारित करने का इंटेंशन तो होना ही चाहिए, दूसरा या तो वो कोई ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाता है व्यक्ति को जिससे ये संभावना है कि मृत्यु कारित हो जाएगी इस चोट से, या वो इस ज्ञान के साथ कार्य कर रहा है जिससे उसे पता है कि इस कार्य से उसकी मृत्यु होनी संभाव्य है, ठीक है, और ऐसी मृत्यु वो कारित कर देता है ऐसा कार्य करके, तो क्या माना जाएगा आपराधिक मानववध माना जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, यहां संभावना की बात है, यहां संभावना है, ऐसा नहीं है कि निश्चित रूप से ऐसा होगा, यानी जो कार्य किया है अगर मैं कोई कार्य ऐसा करता हूं और मुझे इसका ऐसे संभावना लग रही है कि इससे मृत्यु हो सकती है, इससे मृत्यु हो सकती है, और फिर मैं वो कर रहा हूं ज्ञान के साथ कर रहा हूं या कोई ऐसे कार्य को जिससे मृत्यु होना संभव, मैं कोई शारीरिक क्षति कारित कर रहा हूं, मैं किसी के पेट में चाकू मारूंगा तो निश्चित रूप से मुझे ये लग रहा है, मुझे पूरी संभावना है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी बच जाए तो बच जाए कोई खास बात नहीं, पर संभावना है कि ऐसे कार्य से, मैं किसी के सिर में गोली चलाऊंगा तो मुझे संभावना है कि मैं जो गोली चला रहा हूँ उसके सिर के अंदर उससे क्या हो सकती है उसकी मृत्यु हो सकती है, तो या तो कोई ऐसी शारीरिक क्षति कारित करना जिससे संभावना हो कि मृत्यु कारित हो जाएगी, या ये ज्ञान रखते हुए यानी मुझे पता है मुझे नॉलेज है कि अगर मैं ऐसा करूंगा और ऐसे कार्य से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो ऐसा अगर कोई कार्य करके किसी की मृत्यु कारित कर देता है तो वह क्या कहलाता है आपराधिक मानववध कहलाता है। आपराधिक मानववध के लिए जो दृष्टांत है उसमें इस परिभाषा के कई मामले ऐसे हैं जो इस परिभाषा से बाहर भी आते हैं, कई मामले ऐसे हैं जो इस परिभाषा से बाहर के भी हैं, यानी वो परे भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं इस परिभाषा में आए, कुछ मामले ऐसे भी हैं, कई मानववध के मामले ऐसे भी हैं जो उक्त परिभाषा के परे होते हैं तो भी वे दंडनीय हैं, जैसा कि उतावलेपन से अथवा उपेक्षापूर्वक कार्य से अगर किसी की कोई मृत्यु कारित कर देता है तो भी उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 304(a) के अंतर्गत दंडनीय है, वो 299 में नहीं आएंगे, यानी मृत्यु कारित तो हो ही रही है भाई, उतावलेपन से या उपेक्षा से किसी की मृत्यु कारित करता है, उतावलेपन या उपेक्षा से,
तो वो 299 के दायरे में नहीं आएगा। जैसे एक बस ड्राइवर लापरवाही से तेज गति से बस चलाते हुए लेके जा रहा है और उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो 299 के दायरे में नहीं आएगा। वो 299 के दायरे में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो सेक्शन है, ये 279 279 के अंतर्गत, सॉरी 304 के अंतर्गत आएगा। 299 279 में तो लापरवाही है, 304A में, 304A के अंतर्गत क्या होगा? ऐसी लापरवाही से या उपेक्षा पूर्वक कोई कार्य करके अगर किसी की मृत्यु कारित कर देता है तो वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे बस ड्राइवर तेज गति से बस चलाते हुए किसी की मृत्यु कारित कर देता है तो वो 299 300 के दायरे में नहीं आएगा। वो लापरवाही से किए उसने, उपेक्षा कार्य, उसने अपने कार्य में उपेक्षा बरती है, नेग्लिजेंस से किए, तो ऐसे कार्य से अगर मृत्यु होगी तो वो सेक्शन 304A के अंतर्गत आएगा, न कि 299 के अंतर्गत। यहाँ तो जो कार्य कर रहा है ना, वो उसकी संभावना है कि उससे मृत्यु कारित हो जाएगी, ऐसा तब इंटेंशन के साथ करे, ऐसी कोई चोट पहुंचाए, या ये ज्ञान रखते हुए करे कि ऐसे कार्य की संभावना है कि वह मृत्यु कारित कर देगा, आपराधिक मानवध कहलाएगा। इसके लिए आवश्यक तत्व तो क्या है? सेक्शन 299 में आपराधिक मानव जो बताया गया है, इसके आवश्यक तत्व तो क्या होंगे? इसके आवश्यक तत्व क्या क्या आवश्यक तत्व तो है इसके? इसके आवश्यक तत्वों की बात करें तो तीन तत्व इसके लिए जरूरी है। तीन तत्व क्या होंगे इसके लिए जरूरी होंगे? कौन से हैं वो तीन तत्व? तीन तत्वों का होना जरूरी है किसके लिए? आपराधिक मानववध के लिए। पहला पहला तत्व यह है कि मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए। मैं यहां भी लिख दूं, चाहे इसी पर टिक कर दूं, पहला तत्व क्या होगा? मृत्यु कारित करने का आशय होगा, यानी पहली बात मृत्यु कारित करने का इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन नहीं है तो नहीं होगा, इंटेंशन होना चाहिए कि इसकी मृत्यु कारित करना इसका आशय था। दूसरा, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय जिससे मृत्यु कारित होना संभव हो, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय होना चाहिए। चोट अचानक लग गई, इंटेंशन नहीं था, इसके दायरे में नहीं आएगा, ये साबित भी करना पड़ेगा। ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव हो। और तीसरा, ऐसा ज्ञान का होना कि यह संभाव्य है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर सकता है, यानी उसको यह मालूम है कि उसे ज्ञान है कि जो वह कार्य कर रहा है इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब मान लो मैं बताऊं, मैं ये कहूं कि रोड पर अगर कोई खड्डा खोद देता है, गहरा खड्डा, और उस पर घास लकड़ी बिछा करके उसको ढक देता है और उस पर मिट्टी डाल देता है, और उसे ये पता है कि अब कोई इस रास्ते से जाएगा तो वो इसके अंदर गिरेगा और गिरने से उसकी मृत्यु हो सकती है, ये कार्य किस में आएगा? सेक्शन 299 के दायरे में आएगा, क्योंकि उसको ज्ञान है, उसको ज्ञान है कि ऐसे गिरने से क्या हो सकती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब देखने वाले को तो जमीन समतल लगती है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो जैसे उस पर जाता है वो उसके अंदर चला जाता है, तो ऐसा जो गिरना हुआ उस गड्ढे में, उससे क्या हो सकती है, इसकी मृत्यु हो सकती है, और फिर मृत्यु हो जाती है तो वो 299 के अंतर्गत आएगा, आपराधिक मानवध के अंतर्गत आएगा। जो मृत्यु कारित करता है, ऐसा तीनों तत्वों का अगर अभाव है तो चाहे प्रकृति में आपराधिक हो अथवा उसे मृत्यु कारित हुई हो तो भी वह आपराधिक मानवत की कोटि में नहीं आएगा। अगर इन तीनों तत्वों का अभाव है और फिर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो आपराधिक मानवत की श्रेणी में नहीं आएगा। आपराधिक मानवत की श्रेणी के लिए तीन तत्वों का होना जरूरी है। मां के गर्भ में शिशु को मृत्यु कारित करना, मृत्यु कारित करता है, मृत्यु कारित करने का मतलब इस पद से तात्पर्य किसी मानव प्राणी की मृत्यु कारित करने से है। मानव प्राणी की, भाई मृत्यु कारित करने का आशय किसका है? मानव प्राणी की मृत्यु कारित करने की बात की गई है, मानव प्राणी की। यहाँ केवल मानव प्राणी की मृत्यु के लिए सेक्शन 299 और 300 लगाया जाता है, किसी अन्य की मृत्यु के लिए नहीं। इस पद से तात्पर्य किसी मानव प्राणी की मृत्यु कारित करने से है। अगर माँ के गर्भ में शिशु को मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध नहीं है, माँ के गर्भ में अगर कोई शिशु की मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानववध नहीं होगा, वह कौन सा होगा? वह भ्रूण हत्या होगी। वह क्या होगी? भ्रूण हत्या होगी। सेक्शन 315 IPC में वो दंडनीय है, भ्रूण हत्या। किंतु यदि गर्भ के बाहर, अगर बच्चा गर्भ के बाहर आ जाता है,
गर्भ के बाहर आ जाता है, फिर उसकी मृत्यु कार्य की जाती है, फिर वो अगर इस डेफिनेशन में आता है तो उसके लिए 299 क्या होगा, दायी होगा। 299 के तहत उसे दंडित किया जा सकता है, वो आपराधिक मानववध होगा। गर्भ के अंदर है जब तक बच्चा बाहर नहीं आया, तब तक तो होगी भ्रूण हत्या, सेक्शन 315 में डिफाइन होगा। जैसे ही उस शिशु का कोई भी भाग अगर गर्भ से बाहर निकल जाता है तो वह क्या हो जाएगा, फिर अगर उसकी मृत्यु होती है तो सेक्शन 299 के दायरे में आएगा, वो फिर आपराधिक मानववध माना जाएगा। मृत्युकारित पद से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से, यानी कि आवश्यक रूप से उस विशेष व्यक्ति की जिसे मृत्युकारित करना लक्षित है। इसके अंतर्गत यह भी कहा गया है कि मृत्यु का मतलब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से है, किसी भी व्यक्ति की, ये टारगेट करके नहीं कि फलां व्यक्ति की मृत्यु से ही है। अगर आपने इस प्रकार से किसी की मृत्यु कारित की है और उसमें इंटेंशन है इसको शारीरिक चोट पहुंचाई है, या कोई ऐसे ज्ञान रखते हुए कोई कार्य किया जिससे उसकी मृत्यु होना संभव है, अब रोड पर गड्ढा खोद के उसको मिट्टी से ढक देता है, तो पर्टिकुलर आदमी की बात थोड़ी है, उस पर तो कोई भी आ सकता है। आप इंतजार करते हो एक्स का कि वो एक्स आएगा और वो इसमें गिरेगा और वो मर जाएगा, जबकि उससे पहले वाई आ जाता है और वाई गिर जाता है और वाई की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ 299 के दायरे में आएगा, क्योंकि यहाँ मृत्यु पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं बल्कि जो कोई भी सामान्य व्यक्ति है उससे यहाँ पर अर्थ लगाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति होगा तो वो इसके अंतर्गत दायरे में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है कि ए ने बी की मृत्यु कारित करने आशय से उसको जहरीली मिठाई खाने को दी। ए ने, एग्जाम्पल देखिए आप इसका, ए ने बी की मृत्यु कारित करने के आशय से, ए चाहता है कि बी को मार दिया जाए, उसकी मृत्यु कारित करना चाहता है, और ऐसे करके उसने क्या किया, बी को जहरीली मिठाई खाने को दी। क्या दी, जहरीली मिठाई जिसमें जहर मिला हुआ था वो खाने को दी। ए ने बी को जहरीली मिठाई खाने को दी, बी ने उससे थोड़ी सी मिठाई खाई और बची हुई फेंक दी। बी ने क्या किया, जो मिठाई दी थी उस मिठाई में से थोड़ी सी खाई और बाकी की उसने फेंक दी। सी ने वह मिठाई उठाकर खा ली। जब बी ने वो मिठाई फेंकी तो ये सी खड़ा था और सी ने क्या कर लिया, उस मिठाई को उठाकर खा लिया। सी ने उस मिठाई को उठाकर खा लिया, और जब मिठाई खा लिया तो सी क्या कर गया, सी की मृत्यु हो गई। सी मर गया, मरेगा ही मिठाई खाने से, तो सी मृत्यु हो गई सी की। न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि ए ने सी की हत्या का दोषी था। एक ए किसका, ए सी की हत्या का दोषी है। मैंने ये पहले बताया कि जरूरी नहीं कि जिसको टारगेट करके किया जाए उसी की मृत्यु होगी तो ही उस पर मृत्यु का जो आरोप लगाया जाएगा। अगर उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और इस कार्य से होती है कि वो कार्य ऐसा है जिसका परिणाम मृत्यु हो सकता है, तो उसको मृत्यु के लिए दंडित किया जाएगा। यहाँ ए ने जहरीली मिठाई बी को दी थी, बी ने थोड़ी सी मिठाई खाई बाकी की फेंक दी। अब मिठाई तो जहरीली है, अब बी ने फेंकी तो सी वहां खड़ा था और सी उठा करके क्या गया, उसको खा गया। जब जहरीली मिठाई खाएगा तो मरेगा, यानी ए का कार्य, इस ए मृत्यु तो इसकी करना चाहता था बी की, लेकिन अब मृत्यु किसकी होगी, सी की। तो ए का जो तो कार्य था वो किस प्रकार का है, ए का कार्य ऐसा है जिससे मृत्यु हो जाना संभाव्य है, जिससे मृत्यु हो जाना संभाव्य है। भाई कोई जहरीली मिठाई खाएगा तो मर तो सकता ही है, तो इसका, और इसको इस ज्ञान में था इसको कि ऐसी अगर कोई जहरीली मिठाई खाएगा तो निश्चित रूप से मरेगा। तो यहाँ ए को इस सी की मृत्यु के लिए दोषी माना गया कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मृत्यु कारित करने का जो इंटेंशन है, इंटेंशन की जो बात की गई उसमें कहा गया है कि ऐसा आशय प्रत्यक्ष मृत्यु कारित करने का होना चाहिए। जो इंटेंशन होता है 299 में वो आशय कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष मृत्यु कारित करने का होना चाहिए, प्रत्यक्ष मृत्यु कारित करने का होना चाहिए, इंटेंशन डायरेक्टली होना चाहिए। मृत्यु कारित करने, ए यहां ए को
कोमलला का प्रसिद्ध सूत्र है कि मनुष्य स्वीकृत कार्यों के स्वाभाविक तथा संभावित परिणामों की प्रत्याशा करता है। कोमलला का एक सूत्र है कि जो मनुष्य क्या है, कोई कार्य करेगा तो उसके संभावित परिणामों की प्रत्याशा करता है कि भाई इस कार्य से ये परिणाम निकलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर मिठाई जहरीली खाएगा तो उसको परिणाम की पहले से प्रत्याशा थी, उसको उम्मीद थी कि इसी मिठाई खाएगा तो बी क्या कर जाएगा, मर जाएगा। ऐसे ही जैसे गड्ढा खोद के उसको ढक दिया और उसके ऊपर से कोई निकलेगा तो मर जाएगा। यानी ऐसी प्रत्याशा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि जो कार्य कर रहा है या जो चोट पहुंचा जा रही है उसको मृत्यु कारित करने के लिए, क्या उससे मृत्यु हो सकती है, परिणाम मृत्यु हो सकता है। विधि की दृष्टि में ये जो उपधारणा कर ली जाती है कि वह उनको साहस्य करता है। विधि ये कहती है कि ऐसा कोई कार्य करता है तो इसका मतलब वो साहस्य कर रहा है, इंटेंशन के साथ कर रहा है। किंतु भारतीय दंड संहिता में आस्य और ज्ञान में भिन्नता है। यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ इंटेंशन रखना और ज्ञान होना दोनों में भिन्नता है। आस्य से तात्पर्य कार्य की प्रकृति और परिणामों की जानकारी है तथा तो उसकी इच्छा से है। आस्य का मतलब तो क्या हुआ, कार्य की प्रकृति और परिणाम, भी जो कार्य कर रहा है उसकी प्रकृति क्या है और उसका परिणाम क्या निकलेगा। जैसे किसी के धारदार चाकू से किसी के शरीर पर चोट कारित करेगा तो कार्य की प्रकृति का उसे पता है कि चोट गंभीर प्रकृति की होगी, शरीर को गहरा घाव हो जाएगा। और ऐसे कार्य की प्रकृति क्या है, खतरनाक है, गंभीर है। और ऐसी कार्य की प्रकृति का परिणाम क्या निकलेगा, मृत्यु निकल सकता है, मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पर जो इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति का मारने का आशय है, उसको उसकी कार्य की प्रकृति का मालूम है और प्रकृति का परिणाम क्या होगा ये भी इसे मालूम है, तो वो क्या कार्य माना जाएगा, आशय के साथ माना जाएगा, इसके साथ इंटेंशन के साथ, और उसकी इच्छा से है। भाई ये जो कर रहा है ना, ये इसकी इच्छा से भी कर रहा है, अपनी इच्छा से इंटेंशन के साथ करेगा। तो जैसे मैंने कल बताया भी, इंटेंशन में स्वेच्छा भी उसमें शामिल है। स्वेच्छा पूर्वक कोई कार्य करता है तो मतलब अपनी इच्छा से कर रहा है, और फिर उसे पता है कि ये कार्य की प्रकृति इतनी खतरनाक है कि इसका परिणाम क्या निकल सकता है, मृत्यु हो सकती है। जैसे ए ने बी के सिर अथवा हृदय पर गोली मारी, जैसे ए ने, इस इंटेंशन की बात करें, जैसे ए ने बी के सिर अथवा हृदय पर गोली मारी, भाई किसी के सिर में गोली मारेगा या किसी के हार्ट पर गोली चलाएगा तो फिर क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम मृत्यु होगी। भाई मृत्यु होगी बी की, ए बी की मृत्यु कारित करने का आशय रखता है, अतः वह आपराधिक मानववध कारित करता है, ये कहा जाता है। इसको पता है कि अगर तो इसके सिर में गोली मार रहा है और गोली इसके लग गई तो इस गोली का परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम मृत्यु निकलेगा। तो ऐसा अगर संभावना है, ऐसा कार्य की प्रकृति ऐसी है, उसको ज्ञान के साथ इंटेंशन के साथ किया जाता है तो वह क्या होगा, वह आपराधिक मानववध होगा। एक एग्जाम्पल, अगर ए सा आसे बी के उदर अथवा सिर पर तलवार से कठोर आघात करता है, मान लो ए क्या करता है, ए बी के पेट पर या सिर पर तलवार से कठोर आघात करता है, हमला करता है तलवार से, जिससे बी की मृत्यु हो जाती है। ए बी को ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। भाई ए अगर उसके पेट पर तलवार से वार करेगा या उसके सिर पर तलवार से वार करेगा तो ऐसी शारीरिक क्षति, ये जो चोट लगी उसके शरीर पर, ऐसी शारीरिक क्षति क्या है, ऐसी क्षति का परिणाम क्या है, ऐसी क्षति से संभावना है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, और मृत्यु हो जाती है तो सेक्शन 299 के तहत आपराधिक मानववध का दोषी होगा। आरवी वर्सेज कल्याणी, आरवी कल्याणी का मामला है, मद्रास का। एक स्त्री बी के पोतों को, अंडकोश को बलपूर्वक खींचकर पिलपिला कर देती है और इस प्रकार बी स्नायु संस्थान पर आकस्मिक आघात के कारण मर जाता है। यहाँ स्त्री आपराधिक मानववध की दोषी है क्योंकि उसने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की थी जिससे मृत्यु होना संभाव्य थी। ऐसे ही आर वर्सेस गोविंदा का मामला है, रेक वर्सेस गोविंदा का इंपॉर्टेंट केस है। इसी केस में, रेक वर्सेस गोविंदा के केस में ही आर्टिकल दो, सेक्शन 299 और 300, आपराधिक मानववध और हत्या, इन दोनों में जो अंतर किया गया वो इसी केस के द्वारा किया गया। रेक वर्सेस गोविंदा, इसे आर वर्सेस गोविंदा भी लिखते हैं या रेक वर्सेस गोविंदा भी लिखते हैं। आर वर्सेस गोविंदा के मामले में
पति ने अपनी 15 वर्षीय पत्नी को ठोकर मार मार कर धराशायी करने के बाद उसकी पीठ पर मुक्कों से कई बार प्रहार किया और उसकी बाईं आंख पर बलपूर्वक दो चोटें मारी, जिससे उसके मस्तिष्क में रक्त स्राव हुआ और फलस्वरूप उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। पति आपराधिक मानववध का दोषी है क्योंकि जो क्षतियां उसने पहुंचाई थी उनमें मृत्युकारित होना संभाव्य है। यानी आर वर्सेस गोविंदा के मामले में क्या किया, पति ने अपनी पत्नी को सारी चोटें पहुंचाई, कई बार उसको पीठ पर उसके मारा, उसके मुक्के उसके मारे, उसकी आंखों पर चोट पहुंचाई और ऐसी कई चोटों से क्या हो गई, उसकी पत्नी की तत्काल मृत्यु हो गई और ऐसी मृत्यु आपराधिक मानववध कहलाई, क्योंकि उसकी कार्य की प्रकृति इस प्रकार की थी कि अगर इतनी चोटें किसी को मारी जाएगी तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे कार्य की प्रकृति से जिसकी संभावना है इसका परिणाम क्या निकलेगा, मृत्यु निकलेगा, तो वो 299 के तहत दंडित किया जाएगा। ज्ञान का होना, एक शब्द जो तीसरा आता है वो है ज्ञान का होना, ज्ञान का होना, ज्ञान का होना। तीसरा जो टॉपिक था ना उसमें डेफिनेशन में ज्ञान का होना, सेक्शन 299 का जो खंड 3 है उसमें कहा गया है कि यदि कार्य इस ज्ञान से किया गया है कि उससे मृत्यु कारित हो सकती है और मृत्यु हो जाती है तो वह आपराधिक मानववध है। कार्य ज्ञान के साथ किया गया है, ज्ञान के साथ कार्य किया गया है, साथ कार्य, और ऐसे कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है और फिर मृत्यु हो जाती है ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप, तो क्या हो जाएगा, आपराधिक मानववध का दोषी होगा। यानी उस व्यक्ति को जो वह कार्य कर रहा है उसे इस बात का ज्ञान है कि जो कार्य वह कर रहा है उसका परिणाम मृत्यु हो सकता है और फिर ऐसा कार्य करता है और इसके फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा, वो आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा। ज्ञान से तात्पर्य ऐसी चेतना से है जिसका अर्थ निश्चितता से है। यानी हमें ज्ञान है, ज्ञान का मतलब हम जागृत हैं, हमारे में चेतना है, हमें पता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा और ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप अगर कोई कार्य हो जाता है तो अभियुक्त को क्या क्या कहा जाएगा, अभियुक्त को उस कार्य के लिए दंडित किया जाएगा। ज्ञान से तात्पर्य चेतना से है, इसका अर्थ निश्चितता से है। चेतना का मतलब यह कि हमें पता है कि ये काम हो सकता है, न कि संभावना मात्र से। ज्ञान ज्ञान जब होगा ना तब उसको ये नॉलेज होगा कि इसका परिणाम ये निकलेगा, ये केवल संभावना की बात नहीं है कि भाई संभावना है कि ऐसा हो सकता है। अगर गोली चलाएगा तो उसको पता है कि गोली से तो मृत्यु होगी, तलवार से सिर पर वार करेगा तो निश्चित रूप से क्या होगी, मृत्यु होगी। तो जहां संभावना नहीं, जहां ये है कि निश्चितता और ज्ञान के साथ करता और उसे पता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा फिर कर देता है तो वह मृत्यु आपराधिक मानववध करता है। ज्ञान की जो उपधारणा है वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कर ली जाती है, जो ज्ञान की उपधारणा प्रजम्पशन है वो परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि इसको ज्ञान था या नहीं था, इसकी प्रजम्पशन की जाती है। अभियुक्त की घोर उपेक्षा भी ज्ञान का निर्माण कर सकती है, अगर अभियुक्त ने घोर लापरवाही की है तब भी ये माना जा सकता है कि इसने जानबूझ करके इसे ज्ञान के साथ ऐसा किया है। ज्ञान अधिसंभाव्य था और इतना ही विदिता अपेक्षित है, ये सिद्ध करना कि उसे ज्ञान था बस इतना ही पर्याप्त है, केस में इतना ही सिद्ध कर दिया जाए इसने जो कार्य किया था वो ज्ञान के साथ किया था, यानी इसको नॉलेज था, इसको इस कार्य की प्रकृति का परिणाम का मालूम था और फिर किया है, तो वह 299 के तहत दंडित किया जाएगा। ललिता वैक्सेस केस, ललिता वैक्सेस केस के अंदर यह कहा गया कि मृतक रोगी तिल्ली की बीमारी से पीड़ित था। ललिता वैक्सेस केस के मामले में कहा गया कि जो मृतक था जिसकी मृत्यु हुई वो तिल्ली की बीमारी से पीड़ित था, तिल्ली की बीमारी से पीड़ित था और अभियुक्त को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसका वह अंग रोग ग्रस्त है। भाई किसी को तिल्ली की बीमारी हो और तिल्ली की बीमारी का अब किसी को नहीं मालूम है, उसको जो 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 व्यक्ति था अभियुक्त था उसको मालूम नहीं था कि इसको तिल्ले की बीमारी है,
उसने मर्त्य के उस अंग पर क्षति पहुंचाई, उसने क्या किया उसके अंग पर क्षति पहुंचाई। अब एक लड़ाई झगड़ा हो जाता है अचानक से, तो ये थोड़ी पता होता है भी सामने वाले को कोई बीमारी है क्या, या सामने वाले को कोई ऐसी बीमारी, अगर उस अंग पर प्रहार किया जाएगा तो उससे मृत्यु हो जाएगी। उसने ऐसे पेट पर मुक्का मारा, मुक्का मारते वो तिल्ली की बीमारी थी, अंदर तिल्ला फट गया, फटने उसकी मृत्यु होगी। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो वो अंग था जिसको रोगग्रस्त था, उसने मृतक के उस अंग पर क्षति पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु होगी। ऐसी दशा में अभियुक्त स्वेच्छा घोर अथवा शादी उपपत्ति पहुंचाने का दोषी होगा, न कि आपराधिक मानव वध का। भी एक मुक्का अगर सामान्य से कोई लड़ाई होती है तो किसी को मुक्का मार ही देते हैं ऐसे, तो मुक्का ऐसा, मुक्के का जो कार्य है वो ऐसा नहीं है जिसका परिणाम मृत्यु निकले। भी एक मुक्का मारने से कोई मर थोड़ी जाता आदमी, लेकिन वो मर गया। वो कैसे मरा कि उसको तिल्ली की बीमारी थी और उस व्यक्ति को पता नहीं था, अभियुक्त को भी उसकी तिल्ली है, उसने मुक्का मार दिया, मुक्का मारते वो तिल्ली फट गई, फटते उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको आपराधिक मानववध के लिए दोषी नहीं माना गया। फिर उसे जो मुक्के का जो प्रहार होता है जैसे सामान्य घोर उपपत्ति होती है उसी के लिए उसे दोषी माना गया, न कि आपराधिक मानववध के लिए। जमालुद्दीन का एक मामला है जिसमें मानव प्राणी की मृत्यु से पीट कर इस धोखे से कारित करना कि वह डायन थी। भाई पीट पीट करके ऐसे कर दिया कि वो डायन है, और डायन इस धोखे में करता है कि वो डायन थी। उस पर भूत प्रेत चढ़ा था और उसे उतारने के लिए पीटा गया था। ये सब मामले ऐसे हैं जिनमें कि ज्ञान की उपधारणा की जाएगी। भाई कोई भूत किसी में आ जाता है और उसको पीटते हैं, चिमटा दागते हैं और करते, ये करते हैं, तो यहाँ ज्ञान की उपधारणा की जाती है, यहाँ नॉलेज की उपधारणा की जाती है, यहाँ इंटेंशन की उपधारणा की जाती है कि इसने ऐसा किस प्रकार से किया ज्ञान के साथ, या इसको शारीरिक चोट इस कारण से पहुंचाएगी जिसका परिणाम मृत्यु हो, उस आधार पर ये केस की परिस्थिति में प्रत्यय करेगा कि उसका आशय या चोट ऐसी थी या उसे ज्ञान था या नहीं था। ये तो हुआ आपका 299 आपराधिक मानवध। अब देखिए हत्या, अब देखिए 299 के बाद सेक्शन 300। हत्या या मर्डर जिसको कहते हैं, सेक्शन 300 आईपीसी, धारा 300 आईपीसी में बताया गया है। सेक्शन 300 के बारे में क्रॉस एंड जोन्स के अनुसार, क्रॉस एंड जोन्स के अनुसार ये इसको परिभाषित करते हैं, हत्या विधि विरुद्ध कारित विद्वेष पूर्ण मानव वध है। हत्या क्या है, हत्या विधि विरुद्ध कारित विद्वेष पूर्ण मानव वध है। विधि विरुद्ध कारित विद्वेष पूर्ण मानव वध है। हत्या क्या है, हत्या विधि के विरुद्ध कार्य कोई कार्य है जो किसके साथ किया जाता है, विद्वेषता के साथ, विद्वेष भाव से किया जाता है, और ऐसा किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, हत्या कहलाता है। हत्या विषयक भारतीय दो विधि है सेक्शन 300, उसमें इसके प्रावधान किए गए। सेक्शन 300 में क्या डिफाइन किया गया, क्या आवश्यक इसके बताई गई डेफिनेशन कि ये होना चाहिए जैसे वहां था। सेक्शन 300 में ये कहा गया है कि एतस्मिन पश्चात अपवाद दशाओं को छोड़कर, क्या एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर, यानी इसके बाद जो नीचे अपवादित दशाएं बताई गई है उनको छोड़कर के अगर ऐसा कार्य किया जाता जो यहां बताया जाता तो वो क्या कहलाएगा, हत्या कहलाएगा, अपवादित दशाओं को छोड़कर। अब जैसे ये कह दे कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है, तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़ना है, बाकी तो कानून सारे भारत पर लागू है। ऐसे ये कहता है कि इसके बाद सेक्शन 300 में कुछ अपवाद बताए गए नीचे, अगर उन अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बाकी का कार्य क्या कहलाएगा, हत्या कहलाएगा। तो हत्या किससे होगी वो बताना है, उसके बाद उन अपवादों को छोड़ देना है। अगर मामला अपवादों में आता है तो वो हत्या नहीं होगा, वो मर्डर नहीं होगा, फिर वो क्या हो सकता है, आपराधिक मानववध हो सकता है। तो सेक्शन 300 में ये कहा गया है कि अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। भाई अपवादिक दशाओं को छोड़ दे तो कोई भी आपराधिक मानववध करेगा वो क्या कहलाएगा, हत्या कहलाएगा। कोई भी आपराधिक मानववध क्या हो जाएगा, हत्या हो जाएगा। यानी आपराधिक मानववध के लिए जरूरी है
कि उसे अपवादों में आना चाहिए, उसे अपवादों में आना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, आपराधिक मानववध हो जाएगा, अन्यथा वो हत्या माना जाएगा। तो आपराधिक मानववध क्या होगा, हत्या होगा। इसमें बताया गया सेक्शन 300 में कि मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया। पहला टॉपिक मृत्यु कारित करने के आशय से, वहां भी यही था मृत्यु कारित करने के आशय से, वहां भी पहला यही था मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया। दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता है कि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है। भाई दूसरा ऐसी शारीरिक क्षति जिसे अपराधी जानता है, जिसे अपराधी जानता है कि ऐसी क्षति से मृत्यु कारित होना संभाव्य है, ऐसी क्षति से मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तीसरा, ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो कि जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने में पर्याप्त है। ऐसी शारीरिक क्षति जो कारित की गई है वो इस प्रकार से की गई है कि ऐसी शारीरिक क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में, मामूली अनुक्रम में ऐसी शारीरिक क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने में पर्याप्त है। प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। और लास्ट चौथा, ये कहा गया है कि ये कार्य करने वाला व्यक्ति ये जानता है कि कार्य इतना आसन संकट है। व्यक्ति है जो अपराध करता है वो जानता है कि कार्य इतना आसन संकट है, इतना आसन संकट है मतलब इतना खतरनाक है कि उसका परिणाम क्या होगा, कि कार्य इतना आसन संकट है कि पूरी यदि संभाव्यता है, पूरी यदि संभाव्य केवल संभावना नहीं बल्कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि ऐसे कार्य से मृत्यु कारित करने या प्रोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। ऐसा कोई कार्य करता है, चाहे तो वो शारीरिक क्षति कारित करता हो, चाहे वो इस ज्ञान के साथ कोई ऐसी चोट पहुंचाता हो जिसका प्रकृति के मामूली अनुक्रम में ऐसी मृत्यु कारित करने के लिए वो पर्याप्त है, और ऐसा करता है तो वह प्रति हेतु के बिना, अगर ऐसा करता है प्रति हेतु के बिना ऐसा करता है तो वह क्या कहलाएगा, वह मानववध कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा, हत्या का अपराध कहलाएगा। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वो निम्न अपवादों में आती है। ठीक है, तो अगर 300 में हत्या बताई गई, ये क्या कहेगा कि ऐसा विधि विरुद्ध कार्य जो विद्वेष भाव से किया जाता है, अगर अपवाद दशाओं को छोड़ दे, सेक्शन 300 में आगे अपवाद बताए गए, अगर उनको छोड़ दे तो कोई भी कार्य क्या माना जाएगा, आपराधिक मानववध होगा, वो हत्या होगा। कब, अगर मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है, ऐसे शारीरिक क्षति जिसके बारे में अपराधी जानता है इससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। वे किसी के सिर में चोट पहुंचाएंगे तो अपराधी को पता है कि सिर में चोट मारने से मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो सकती है, या कोई ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में, प्रकृति के मामूली अनुक्रम का मतलब है कि नॉर्मली ही ऐसी चोट क्या हो जाती है जिससे मृत्यु होना सफिशियंट है, मृत्यु पर्याप्त है, ऐसी चोट से क्या हो जाएगी, मृत्यु होना पर्याप्त है, जो चोट मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। किसी के सिर में कोई गोली चलाएंगे, किसी सिर पर कोई तलवार से वार करेंगे या उसके हार्ट पर कोई तलवार से वार करेंगे, तो ऐसी ये चोटें ऐसी है कि प्रकृति के, सामान्यतः हम अगर देखें तो ऐसी चोटों से आदमी मर जाता है, तो ऐसी चोट जिससे कारित की गई है वो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, तो ये माना जाएगा कि उसने हत्या का अपराध किया है। अगर उसका अपराध ये कार्य अपवादों में आता है जो अब बताई जाएगी, अगर उसमें आता है तो वो हत्या नहीं होगा, फिर वो आपराधिक मानववध होगा। तो अपवाद क्या, इसके जहां आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगा, तो इसके जो इम्पोर्टेंट है ना वो अपवाद है। अपवादों से ही आदमी हत्या से बच करके आपराधिक मानववध के लिए दंडित किया जा सकता है, या वह अपना मामला अपवादों में लाने के कारण 299 में आ सकता है, 300 से बच जाएगा, हत्या से बच जाएगा, फिर वो आपराधिक मानववध में आएगा।
हत्या के और आपराधिक मानवध के सजा में अंतर है, इसलिए छोटा अपराध हो जाता है आपराधिक मानवध, तो वो हत्या में अगर होगा तो हत्या में तो मृत्यु आजीवन कारावास ही है, उसके अलावा कोई सजा ही नहीं है, लेकिन यहाँ सजा कम भी हो सकती है आपराधिक मानवध में। तो ऐसे में वो अपना मामला किस में लाना चाहता है, वो अपराधों में लाना चाहता है। अभियुक्त हमेशा ये चाहता है कि वो अपना मामला अपराधों में ले आए, ताकि वो क्या हो जाए, वो बच जाए हत्या के अपराध से। अगर पहला अपराध ये है हत्या का अपवाद, जहां कार्य हत्या होने पर भी हत्या नहीं मान करके आपराधिक मानवध होगा, तो पहला अपराध कौन सा है? पहला अपराध है कि गंभीर या अचानक प्रकोपन में, गंभीर अपराधी, गंभीर या अचानक प्रकोपन में, गंभीर या अचानक प्रकोपन में, गंभीर या अचानक प्रकोपन में, या किसी व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करता है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु का करता है भूल से या दुर्घटनावश कारित करता है, दुर्घटनावश कारित करता है, दूसरा अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का, अपराधी शरीर या संपत्ति, रात को बताया था, शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए अगर किसी की मृत्यु कारित करता है तो वह हत्या के लिए नहीं बल्कि आपराधिक मानवता के लिए दोषी होगा। ऐसे ही अपराधी कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन से आकर के अगर किसी की मृत्यु कारित कर देता है या किसी की मृत्यु भूल या दुर्घटना से कारित कर देता है तो वह हत्या के लिए नहीं आपराधिक मानवध के लिए दंडित किया जाएगा। अपराधी ये डिफेंस लेता है, ये अपराधी के डिफेंस है, जहां वो अपराध को 300 से निकाल करके 299 के दायरे में ले आता है। वो ये कहता है कि उसने मुझे गाली दी अचानक से, मुझे ऐसी गाली दी जिससे मुझे आवेश आ गया, मुझे क्रोध आ गया और क्रोध में मैंने क्या कर दी, उसकी हत्या कर दी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। या एक व्यक्ति घर जाता है और घर जाकर के देखता है कि उसकी पत्नी के साथ कोई दूसरा व्यक्ति है, उसे अचानक से क्या होता है, क्रोध आता है और क्रोध में वह उस व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो ऐसा वो क्या करेगा, हालांकि हत्या तो होगी उसकी, उसकी हत्या तो होगी, पर वो अपने मामले को अपवादों में ले आएगा कि मुझे क्या हुआ, मुझे गंभीर या अचानक से प्रकोपन मिला, सामने वाले का कार्य ऐसा था जिससे मैं प्रकोपित हो गया और प्रकोपित होने से मैंने इसका क्या कर दिया, हत्या कर दी, मेरा इसका इंटेंशन नहीं था, मैं इसको ऐसी कोई चोट मैंने नहीं की, लेकिन उसको वो अपने मामले को कहाँ ले आएगा, सेक्शन 300 से निकाल के 299 यानी आपराधिक मानवता के दायरे में ले आएगा कि अगर उसने गंभीर या अचानक प्रकोपन से उसकी हत्या की है तो वह हत्या नहीं माना जाएगा, फिर वो आपराधिक मानवता माना जाएगा, या किसी की मृत्यु भूल या दुर्घटना से कर दे तो वो आपराधिक मानवता माना जाएगा, या शरीर या संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी की मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का अपराध नहीं माना जाएगा, आपराधिक मानवता की श्रेणी में आएगा। ऐसे ही अगर कोई अपराधी लोक सेवक होते हुए विधिपूर्ण शक्तियों के प्रयोग में किसी विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति के आगे बढ़कर मृत्यु कारित करता है, अगर कोई लोक सेवक है, अगर कोई लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, और वो पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट अपनी विधि, अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन में अपने विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस शक्तियों से आगे बढ़ करके अगर क्या कर देता है, किसी की मृत्यु कारित कर देता है तो वह क्या माना जाएगा, आपराधिक मानवध माना जाएगा, न कि हत्या का अपराध। यदि वह मानवध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना वह क्रूरता प्रूफ था या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया है तो वह आपराधिक मानववध होगा न कि हत्या। यदि मानववध कैसा होगा, यदि मानववध अचानक झगड़े का परिणाम हो, पहले से कोई मारने का आशय नहीं था, अचानक से झगड़ा हुआ और तुरंत झगड़े में उसने क्या कर दिया, उसकी मृत्यु कर दी, या तो अचानक झगड़ा हुआ हो या ऐसा कोई आवेश आया हो, कोई अचानक से कोई क्रोध आया हो और ऐसी लड़ाई में पहले से कोई चिंतन नहीं था कि भाई उसकी हत्या करनी है, लेकिन अचानक से क्रोध आया, अचानक से लड़ाई हुई, लड़ाई में कई बार हो जाता है, मारना नहीं चाहता लेकिन मारा जाता है क्रोध के अंदर, और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना,
ऐसी मारने से अपराधी को कोई अनुचित लाभ भी नहीं है, कोई लाभ नहीं उठाया कि इसको मारने से मुझे यह फायदा मिलेगा। अगर ऐसा कोई अचानक झगड़ा जनित आवेश में किसी व्यक्ति की कोई मृत्यु कारित कर देता है और ऐसी मृत्यु कारित करने का कोई लाभ नहीं उठाता है, कोई लाभ उठाए बिना ऐसा करता है, या कोई क्रूरतापूर्वक या कोई अप्राय रीति से कार्य किए बिना किया गया है, तो ऐसा कार्य क्या माना जाएगा? आपराधिक मानवता की श्रेणी में आएगा, हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर अपराधी मृतक की सहमति से, नेक्स्ट, अगर अपराधी मृतक की सहमति से, मृतक की सहमति से क्या करता है, अगर अपराधी मृतक की सहमति से जो 18 वर्ष से ऊपर का है उसकी मृत्यु कारित कर देता है, तो वह हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा। तो वह क्या नहीं माना जाएगा? तो वह हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा। भाई कोई व्यक्ति है, वो मरने वाला ये कहता है कि हाँ मुझे मार दो, मैं सहमति देता हूँ, और उसकी अगर आयु 18 वर्ष से ऊपर है तो उसकी सहमति के आधार पर उसकी मृत्यु कर दी जाती है, तो वह हत्या का दोषी नहीं होगा, वो आपराधिक मानवता की श्रेणी में आ सकता है। पति और पत्नी बेरोजगार थे, पति ने काफी वर्ष जॉब करने का प्रयास किया, सरकारी नौकरी लगने के लिए तैयारी की, काफी रीट दी और भी एग्जाम दिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो पति कहता है कि मैं तो अब आत्महत्या करूंगा। पत्नी कहती है कि मैं भी जी करके क्या करूंगी, जब तू मरेगा तो फिर मैं भी वैसे ही मर जाऊंगी, इसलिए मैं भी क्या होती हूँ, सहमत हूँ तेरे साथ मृत्यु कारित करने के लिए, तेरे साथ मरने के लिए। दोनों सहमत हो जाते हैं। दोनों क्या करते हैं, पति पत्नी के गले में फंदा डालता है और उसको लटका देता है, पत्नी मर जाती है, और फिर खुद फंदा डालता है और खुद इतने में कोई आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और बचा लेता है, यानी पत्नी मर गई पति बच गया। तो क्या पति ने पत्नी की हत्या की? नहीं, पति का कार्य आपराधिक मानवता की श्रेणी में आएगा, क्योंकि पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी और उसकी सहमति थी, तो सहमति से अगर कोई कार्य किया जाएगा वो हत्या नहीं होगा, वो आपराधिक मानवता में आएगा, जो हत्या की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। सेक्शन 300 के लिए मृत्यु कारित करने का आशय, आवश्यक तत्वों की बात करें तो मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए, ठीक है, जैसे जो चोट कारित की गई उसकी प्रकृति से, उसके प्रयोग किए गए आयुध की प्रकृति से, घाव की प्रकृति से, उस स्थान से जहाँ क्षति कारित की गई, उन दशाओं से जिनके वशीभूत हुए क्षतियां कारित की गई, इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी मृत्यु कारित करने का आशय था या नहीं था, ठीक है। भाई कोई व्यक्ति अगर चोट खतरनाक चोट कारित करेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं इसका मारने का इंटेंशन था कि नहीं था। अब कोई ऐसे थप्पड़ मारे और मारते ही मर जाए तो उसका इंटेंशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि थप्पड़ मारने से आदमी मरता नहीं है, और फिर मर जाता है तो वो हत्या का दोषी नहीं होगा। ये सब कार्य प्रति हेतु के बिना किए गए होना चाहिए। सेक्शन 304 में बताया गया है कि प्रति हेतु के बिना सभी हत्या आपराधिक मानववध है, किंतु सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। भाई ये लाइन भी आपके एग्जाम में देखे सीधा ही पूछ सकता आपसे भी, सभी हत्या आपराधिक मानववध है लेकिन सभी मानववध, सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। सभी हत्या आपराधिक मानववध है लेकिन लेकिन सभी हत्या आपराधिक मानववध है लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, ठीक है। तो सभी हत्या आपराधिक मानववध है, यानी जो हत्या करेगा, मर्डर करेगा, वो मानववध तो होगा ही होगा, यानी अगर अपवादों में आ जाता है तो मानववध ही होगा। भाई कोई भी मर्डर किसी का करेगा तो वो हत्या होगी, मर्डर होगा, वो आपराधिक मानववध तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हत्या से वो अपना मामला अपवादों में ले आता है तो आपराधिक मानववध का अपराध बन जाता है। तो इसका मतलब हर मर्डर क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड तो होगा ही होगा, आपराधिक मानवत तो होगा ही होगा, लेकिन सभी आपराधिक मानवत हत्या नहीं है,
लेकिन सारे जो आपराधिक मानववध है वो हत्या नहीं होते। जरूरी थोड़ी है सारे ही आपराधिक मानववध हत्या होंगे। वो तो फिर देखा जाएगा कि मामला किन परिस्थितियों में आता है। अगर वो अपराध का बचाव लेता है लेकिन बचाव को प्रूव नहीं कर पाता तो वो हत्या की श्रेणी में माना जाएगा। तो सारे ही आपराधिक मानववध है वो हत्या नहीं है। सेक्शन 299 और इसमें 300 में तुलना की गई है, तुलनात्मक अध्ययन की। 299 में तो ये कहा गया व्यक्ति अपराधी मानवाधिकारित करता है यदि कार्य जैसे मृत्यु कारित हुई है। 300 में भी कहा गया कि अपवादी दशाओं में अगर कार्य करता है, अपवादी दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानवध हत्या यदि वह कार्य जैसे मृत्यु कारित की गई है। अपवादी दशाओं को साथ में लिया गया यहाँ पर 300 में। 299 में मृत्यु कारित करने के आशय से ऐसा किया गया है, जबकि हत्या में मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था। दूसरा, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया और जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति के मृत्यु कारित करना संभव है जिसको वह उपहानि कारित की गई है। सामने वाले को नॉलेज था कि जिसको ऐसी क्षति कारित की गई है उससे मृत्यु होगी। जबकि 299 में ऐसे शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया था जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो। 299 में तीसरा टॉपिक बताया, ज्ञान रखते हुए कारित किया गया कि उस कार्य से मृत्यु कारित होना संभव है। जबकि इधर क्या कहा गया 300 में, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया और वह शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने में पर्याप्त है तो वो क्या माना जाएगा, हत्या माना जाएगा। और ऐसी हत्या ज्ञान रखते हुए ऐसा कार्य ज्ञान के साथ किया गया है, कार्य इतना आसन संकट है, ज्ञान के साथ करता और साथ के साथ ऐसा है कार्य वो इतना आसन संकट है यानी इतना खतरनाक है कि ये आशंका की जा सकती है कि इसकी तुरंत क्या हो जाएगी, इससे मृत्यु हो जाएगी। ऐसे पूरी यदि संभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है तो वो 300 में आएगा। प्रत्येक धारा की जो सारणी है वो आप ऐसे ही डिफरेंस के साथ तैयार कर लें ताकि वो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। आपको शुभ दिन हो।